हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम फूड रेसिपीज। और होम फूड रेसिपीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होने वाली इंस्टेंट बर्फी, जो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगती है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो इंस्टेंट बर्फी बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम जिन्हें इस तरीके से बारीक काट लिया है, और इसी तरह से 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए पिस्ता, इनको भी बारीक काट लिया है, 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, 1 कप से भी कम थोड़ा मिल्क, 1/3 कप शुगर जिसको मैंने बारीक पीस लिया है, और 1/4 कप असली घी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं इंस्टेंट बर्फी। तो यहां पर मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है, और अब इसमें हम देसी घी डाल देंगे। और जब ये घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम मिल्क ऐड कर देंगे। तो ये नॉर्मल मैंने मिल्क लिया है, यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ था ये। और अब इसमें हम ये मिल्क डाल देंगे। और अब ये अच्छा गर्म हो चुका है घी, तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये मिल्क पाउडर। तो इसको हमें बैचेस में डालना है, थोड़ा थोड़ा कर कर, एक साथ नहीं डालना है। एक साथ डालने से मिल्क पाउडर में लम्स पड़ जाते हैं। और फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको मिलाएंगे। और अगर इसमें लम्स पड़ भी जाते हैं तो आप इसे स्पैचुला की हेल्प से या स्पून की हेल्प से ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मिलाते जाएंगे इसमें और मिल्क पाउडर डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अगर घर में मेहमान आपके आ रहे हो या बच्चों का कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे फटाफट से बना सकती हैं, और खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगती है। तो इस तरीके से अच्छे से इसे हमने मिलाना है। तो अगर आपको मेरी ये इंस्टेंट बर्फी की रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में शेयर जरूर कीजिएगा मुझे कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे ये थोड़ी थिक होती जा रही है, और इसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर इसमें ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, अब तो बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, फेस्टिवल सीजन है, तो इस दिवाली आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी ये फटाफट से बन जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। तो इसे हमें अच्छे से इस तरीके से मिलाना है। और अब ये थिक हो गई है, तो इसमें हम ये जो हमने चीनी का पाउडर बनाया था शुगर का, उसको ऐड कर देंगे। हमने इसमें शुगर का जो पाउडर ऐड कर दिया है, ये पाउडर, तो इससे ये थोड़ा पानी छोड़ता है, और जब ये डिजोल्व हो जाएगी शुगर तो ये थोड़ा जो बैटर हमारा तैयार हुआ है ये थोड़ा पतला हो जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी। और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। और बच्चों को तो ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। और अब ये जो इलायची का पाउडर है इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इलायची पाउडर से इसके अंदर, बर्फी के अंदर, बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, और मिठाइयों में तो ख़ास तौर पर इलायची का यूज़ किया जाता है, हरी इलायची का, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और अब इसे ऐसे चलाते रहेंगे। तो देखा आपने कितनी जल्दी इसका ये जो बैटर है थिक हो गया है।
तो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगती है। अब फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़्यादा थिक हो गई है और जब मैं इसमें स्पून लगा रही हूँ तो एकदम एक तरफ हो जाती है, मतलब कढ़ाई से हटने लगी है, ये कढ़ाई के तले को छोड़ने लगी है। तो अब ये जो मिक्सचर है बर्फी का बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर मैंने ये ट्रे ली है और इसको घी से मैंने अच्छे तरह से ग्रीस कर दिया है। और घी का यूज मैं इसलिए कर रही हूँ, इसमें लगाया है इसको ताकि बर्फी जब हमारी रेडी हो जाए और हम बर्फी को कट करें तो इजीली वो पीसेस बर्फी के निकल आए, वरना तो चिपक जाएंगे अगर हम इसे घी को ग्रीस नहीं करेंगे। तो इसे अच्छे से हमने यहाँ घी ग्रीस कर लिया है इस ट्रे में। अब हम मिक्सचर डाल देंगे बर्फी का। और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे इसमें। तो इस मिक्सचर को मैंने इस ट्रे में अच्छे से सेट कर दिया है स्पैचुला की हेल्प से। बिल्कुल इसे एक लेवल में लाना है हमें। और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे कटे हुए बारीक बादाम। तो आप चाहें तो किसी भी ड्राई फ्रूट्स का यूज कर सकती हैं, जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वही आप उसका यूज कीजिए। तो इस तरीके से हम बादाम डाल देंगे इस पर। ड्राई फ्रूट से एक तो इसका जायका बढ़ जाता है और दूसरे ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती इनकी बढ़ जाती है मिठाई की। तो यहाँ मैंने अच्छे से डाल दिए हैं बादाम कटे हुए और अब हम पिस्ता डालेंगे। इस तरीके से और अब यहाँ मैंने ये पैलेट नाइफ लिया है। आप चाहें तो कोई स्पैचुला कुछ भी ले सकते हैं और उसको इस तरह से इन ड्राई फ्रूट्स को प्रेस कर दीजिए ताकि अच्छे से ड्राई फ्रूट्स इस बर्फी में सेट हो जाएं। हल्के हाथों से इसे प्रेस कीजिएगा, ज्यादा तेज हाथों से नहीं, क्योंकि फिर वो ड्राई फ्रूट्स अंदर चले जाएंगे इस मिक्सचर के। और इस तरह से अच्छे तरीके से हमने इसको सबको प्रेस कर दिया है ड्राई फ्रूट्स को। और अब मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूंगी फ्रिज में सेट होने के लिए और 1 घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे फ्रिज से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बर्फी फ्रिज से बाहर निकाल ली है और ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो अब हम इसको कट करेंगे। आप इसके पीसेस अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, जैसे आप खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से तो मेरी ये रेसिपी इस दिवाली आप जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिएगा। और बहुत ही जल्दी बनकर ये बर्फी हमारी रेडी हो जाती है, कुछ भी हमारा इसमें टाइम नहीं लगता है। और अब हम इसको निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारी इंस्टेंट बर्फी। इसे मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है और ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रही है। इस दिवाली आप इंजॉय कीजिए, बनाइए मेरी इस रेसिपी को और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इंशाल्लाह मैं फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ होम फूड रेसिपीज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।